रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट क्लास 4 टेबल कंटेंट ऑनलाइन विद कंप्यूटर्स यूनिट नंबर 2 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर लेक्चर नंबर 6 दिस इज योर बुक टाइटल नाउ वी सॉल्व आवर एक्सरसाइज यूनिट नंबर 2 की टर्म्स वर्सेटिलिटी मींस बीइंग एबल टू डू मेनी डिफरेंट फंक्शंस और एक्टिविटीज़. अब जैसे कि हमने करेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं कंप्यूटर के कि हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, उसमें एक वर्सेटिलिटी है जिसका क्या मतलब है, मीन है बीइंग एबल टू डू मेनी डिफरेंट फंक्शंस और एक्टिविटीज़, कि आप क्या कर सकते हैं, आप एबल हैं यानी आप काम कर सकते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ और फंक्शंस जो है वो कंप्यूटर परफॉर्म कर सकता है. डिलीजेंस वर्किंग कॉन्टीन्यूसली विदाउट गेटिंग टायर्ड, कॉन्टीन्यूसली यानी वो मुसलसल काम कंप्यूटर कर सकता है बगैर किसी थकावट के या गेटिंग टायर्ड यानी बोर और टाइट कंप्यूटर जो है वो नहीं होता. एक्सरसाइज है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड. अब आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें आपके पास 3 ऑप्शन, आपके पास ऑप्शन ए बी एंड सी आपको गिवन है, आपने इसमें से राइट ऑप्शन जो है वो चूज़ करना है और जो ब्लैंक है उसमें आपने लिखना है और एक्सरसाइज आपने पेंसिल से सॉल्व करनी है. फर्स्ट डैश मीन्स टू डू सम वर्क विदाउट एनी एरर, कि आप काम विदाउट किसी एरर और मिस्टेक के जब करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, वर्सेटिलिटी, बी एक्यूरेसी, सी स्पीड, ऑप्शन बी एक्यूरेसी. सेकेंड है कंप्यूटर ऑलवेज फॉलो योर डैश, कि कंप्यूटर हमेशा आपकी क्या फॉलो करता है, इंस्ट्रक्शंस, इनकम या इंटरनेट, ऑप्शन ए इंस्ट्रक्शंस. थर्ड है कंप्यूटर कैन नॉट टेक इट्स ऑन डैश, कि कंप्यूटर जो है वो खुद से क्या नहीं लेता, वो डिमांड एंड डिसीजन, कि कंप्यूटर खुद से जो है वो डिसीजन ही लेता, ऑप्शन सी. फोर्थ यू कैन यूज़ अ डैश टू स्केड्यूल योर अपॉइंटमेंट, कि जो कंप्यूटर में हम स्केड्यूल करते हैं वो अपॉइंटमेंट्स को वो क्या होती है, कैंडल, कुक या कैलेंडर, ऑप्शन सी कैलेंडर. बी पार्ट फिल इन द ब्लैंक्स इलेक्ट्रॉनिक, स्पीड, लिसन, वर्क एंड वर्सेटिलिटी. फर्स्ट कंप्यूटर वर्क एट हाई डैश, कंप्यूटर जो है वो किस पे काम करता है, हाई स्पीड पे काम करता है. सेकंड यू कैन डैश सॉन्ग्स ऑन द कंप्यूटर, कि आप कंप्यूटर में सॉन्ग्स को क्या करते हैं, हम लिसन करते हैं. डैश मींस टू परफॉर्म मेनी एक्टिविटीज़ एट द सेम टाइम, कि डैश किसका मतलब है कि हम एक ही टाइम में एक्टिविटीज़ ज़्यादा परफॉर्म करते हैं, तो वर्सेटिलिटी मीन्स अ कंप्यूटर कैन नॉट डिटेक्ट डैश इनपुट गिवन बाय यूज़र, कि कंप्यूटर कभी भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं देता, ठीक है, कि जब भी हम उसको करेक्ट देते हैं तो वो भी हमें करेक्ट ही देता है, कभी अगर हम उसको इनकरेक्ट देते हैं कोई भी डाटा या हम उसको इनपुट देते हैं तो वो भी आपको आउटपुट जो है वो करेक्ट नहीं दे सकता. फिफ्थ है अ कंप्यूटर इज एन डैश मशीन, कि कंप्यूटर कौन सी मशीन है आपके पास, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है. नेक्स्ट है सी पार्ट टिक करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग वर्ड्स, ट्रू फॉल्स हैं आपके पास, अ कंप्यूटर वर्क एट हाई स्पीड, कि क्या कंप्यूटर जो है वो हाई स्पीड से काम करता है, तो ट्रू आपने टिक करना है. अ कंप्यूटर कैन नॉट स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, कह रहे हैं कि कंप्यूटर जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जो है वो स्टोर नहीं करता, तो ये रॉन्ग है. क्यों, क्योंकि वो लार्ज अमाउंट में डाटा जो है वो स्टोर करता है. नेक्स्ट है थर्ड यू कैन प्ले गेम्स एंड लिसन टू म्यूज़िक ऑन अ कंप्यूटर एट द सेम टाइम, कह रहे हैं कि आप एक ही टाइम में कंप्यूटर पे गेम भी खेल प्ले कर सकते हैं और क्या म्यूज़िक लिसन कर सकते हैं, तो इट्स ट्रू जी, तो हम दोनों काम जो है वो एक टाइम में कर सकते हैं. फोर्थ एक्यूरेसी एंड वर्सेटिलिटी आर इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर, कह रहे हैं कि वर्सेटिलिटी और जो एक्यूरेसी है वो दोनों इंपॉर्टेंट फीचर हैं, तो ट्रू ये आपके पास इंपॉर्टेंट फीचर में ही आता है. यू कैन नॉट टाइप लेटर्स ऑन अ कंप्यूटर, कह रहे हैं कि आप कंप्यूटर में लेटर टाइप नहीं कर सकते, तो ये आपके पास किस में जाएगा, फॉर, क्यों, क्योंकि हम लेटर टाइप कर सकते हैं. डी पार्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये आपने भी नोटबुक पे सॉल्व करना है, वो हम नेक्स्ट में मैं भी आपको बताऊंगी कि किस तरह आपने इसके आंसर्स देने हैं, आंसर्स आपको गिवन होंगे, आपने जस्ट अपनी नोटबुक में उसको लिखना है प्रॉपर जो है वो पैटर्न फॉलो करके. नेक्स्ट ऑब्जर्व द पिक्चर्स केयरफुली एंड राइट द एक्टिविटीज़ दैट आर डूइंग विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, ये अब आपने खुद सॉल्व करना है कि आपने पिक्चर्स देखनी है और देखनी है कि क्या एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपने उसके जो ब्लैंक है उसमें आपने लिखना है, ये आपके होमवर्क में जाएगा. नेक्स्ट है अरेंज द जंबल वर्ड्स, आपने अरेंज करके लिखने हैं जंबल वर्ड्स को, कि जंबल वर्ड्स आपको दिए हुए यानी आगे पीछे करके आपको वर्ड्स दिए हुए, आपने उसको अरेंज करके एक लेटर बताना है कि आपके पास क्या लेटर है. ये 5 पार्ट्स हैं, आपने अपने होमवर्क में करने हैं. अब यूनिट नंबर 2 की जो एक्सरसाइज है आपके पास वो आपने सॉल्व करनी है प्रॉपर पैटर्न के साथ, मार्जिन लाइन लगानी है, आपने यूनिट नेम लिखना है, यूनिट
लिख मेंशन करना है कि कौन सा यूनिट है, यूनिट नंबर टू है हमारे पास, और चैप्टर का नेम भी लिखना है। जैसे कि यूनिट नंबर टू, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूरेसी ऑफ अ कंप्यूटर, कि एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटर का क्या मतलब है। एक्यूरेसी मीन्स दैट इट वर्क विदाउट मिस्टेक और एरर इफ़ वी पुट करेक्ट डेटा। कह रहे हैं कि एक्यूरेसी का क्या मतलब है कि जब भी हम उसको करेक्ट डेटा देते हैं तो वो कंप्यूटर भी हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन ही देता है। सेकेंड क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट राइट एनी वन लिमिटेशन ऑफ अ कंप्यूटर, की वन लिमिट बतानी है कि उसकी क्या लिमिट है। कंप्यूटर कैन नॉट वर्क ओनली विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन बींग, कि कंप्यूटर जो है वो खुद से काम नहीं कर सकता। कंप्यूटर कैन वर्क ओनली विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन बींग, ये कंप्यूटर की लिमिट है कि वो खुद से कोई भी काम नहीं कर सकता। यानी खुद से काम करने का क्या मतलब है कि आप उसको जब इनपुट देंगे तभी वो आपको आउटपुट देगा, वो खुद से कोई भी इनपुट जो है वो नहीं कर सकता। तो आप ह्यूमन बींग की हेल्प के बगैर कंप्यूटर जो है वो काम नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर थ्री, मेंशन एनी टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर, फर्स्ट स्पीड एंड सेकेंड हाई स्टोरेज कैपेसिटी। ये कंप्यूटर की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें क्या है कि स्पीड उसकी ज़्यादा है और उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, उसमें हम डाटा लार्ज अमाउंट में स्टोर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, मेंशन एनी टू यूजेस ऑफ अ कंप्यूटर, उसके यूजेस बताने हैं। एक है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपके पास जो है वो मल्टी क्वेश्चन फोर ऑपरेशन आ जाते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड डॉक्यूमेंट, कि जो आप जो है वो फाइल्स बनाते हैं उसमें आप स्लाइड्स बनाते हैं, प्रेजेंटेशन होती है उसमें डॉक्यूमेंटेशन। क्वेश्चन नंबर फाइव, राइट डाउन एनी टू थिंग्स दैट यू लाइक टू डू मोस्ट ऑन अ कंप्यूटर, कि आपने खुद से बताना है कि आपको कंप्यूटर पर क्या दो चीज़ें करना ज़्यादा पसंद है। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे प्लेइंग गेम्स एंड पेंटिंग और पेंट प्रोग्राम, आप इसमें डिफरेंट बता सकते हैं, आप टाइपिंग बता सकते हैं, और जो जो आपको लाइक करते हैं वो आप चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हैं। अब होमवर्क है आपके पास यूनिट नंबर टू, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर, राइट क्वेश्चन आंसर इन योर नोटबुक। अब आपने क्वेश्चन आंसर जो है वो नोटबुक पे करने हैं, और जो पार्ट एफ एंड जी है वो आपने अपनी बुक पे ही सॉल्व करना है। आपने पिक्चर्स देखनी है और आपने अरेंज करने हैं जंबल वर्ड्स को, ये आपके होमवर्क में जाएगा।